बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। हमारे साथ अनीता भंडराल जी मौजूद हैं जो स्टडी स्केयर के ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा पर आज हमको इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करेंगे। अनीता जी आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू सर। सो पूरे इंडिया से हमारे स्टूडेंट्स इस शो को देखते हैं, अहमदाबाद हो, गुजरात हो, इंदौर हो, MP हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो। और खुशखबरी ये है कि पिछले कुछ वक्त पहले तक स्टेट बोर्ड्स पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का, जम्मू का या गुजरात का भी, इन स्टेट बोर्ड्स को लेकर ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र लेटर देने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। कई जगह तो ऑफ़र लेटर नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब फ़रवरी इनटेक के लिए अभी से ऑफ़र लेटर अवेलेबल हैं। और मैं अनीता जी ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, किसी भी स्टूडेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा दिक्कत नहीं है? ऐसा क्या बदला पिछले 2-3-4-5-6 महीनों में? जी, तो सबसे पहले जो अभी रीसेंट चेंज आया है वो आया है इंटरनेशनल कैपिंग। तो उस इंटरनेशनल कैपिंग में ये डिसाइड होना था कि हर यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो कॉलेजेस हैं जो कि पब्लिक फंडेड कॉलेजेस हैं, उनको कितनी कितनी सीट्स मिली है। तो अब वो बिल्कुल अनाउंस हो चुका है कि हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पास कितनी सीट्स हैं। अब यूनिवर्सिटी को पता है कि हमारे पास इस टाइम पे कैपेसिटी है कि हम एक साल के अंदर 2000 या 3000 स्टूडेंट्स हैं वो हम रिक्रूट कर सकते हैं। तो ऐसे में यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इन टर्म ऑफ द स्टेट बोर्ड, इन टर्म ऑफ यू नो द परसेंटेज, वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी उन्होंने इजी कर दी है स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है मार्केट में, जो मुझे लगता है कि पहले स्टूडेंट्स वर नॉट अवेयर, दे वर यू नो रियली डिपेंडेंट ऑन द कंसल्टेंट की कंसल्टेंट बताएगा इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो करना है, ये डॉक्यूमेंट दिखाना है तो दिखाना है। लेकिन अब इस टाइम पे यू नो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया और मे बी बहुत सारे जो लोग हैं वो बिल्कुल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द गूगल, तो अब स्टूडेंट्स का भी इसी तरह से रुझान है कि जो भी चीज़ दिखानी है वो जेन्युइन दिखानी है, वो भी फ्रॉड अगर कोई ऐसा जो डॉक्यूमेंट है वो उसके साथ नहीं जा रहे हैं। तो इसकी वजह से मुझे जो लगता है पंजाब एंड हरियाणा के मार्केट में कंपैरेटिवली सुधार हुआ है, क्योंकि इस मार्केट में जो सुधार होने का मतलब यही है कि अब यूनिवर्सिटीज़ को भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लगा है आने कि अब जो भी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी वो एप्लीकेशन उनको मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली जेन्युइन है। यस, दे आर डूइंग द वेरिफिकेशन वो सारी ही कर रही है, बट ऐसा नहीं है कि पंजाब एंड हरियाणा के लिए ही वेरिफिकेशन चल रही हैं या फिर गुजरात के लिए नहीं चल रही हैं या फिर मुंबई के लिए नहीं चल रही हैं, MP के लिए नहीं चल रही हैं, वो हर जगह के लिए चल रही है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस उनका बिल्कुल सही है, लेकिन इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 11 से 12 पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि पंजाब एंड हरियाणा स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल दे आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पंजाब एंड हरियाणा के लिए सेम वही है जो किसी दूसरी स्टेट के लिए। सो दैट मीन्स वी आर कमिंग इन दैट स्टेज जहाँ पे जो पहले था ना कि हाई रिस्क जोन में हम लोग हैं, हमारे लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट और किसी और स्टेट बच्चे के लिए किसी और रिक्वायरमेंट। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की अवेयरनेस में बोलूँगी, और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, और मे बी कंसल्टेंट ने भी जो ये आफ्टर वीज़ा डॉक्यूमेंट बनाना ये चीज़ें बंद कर दी है, बिकॉज दे आर ऑल्सो अवेयर कि ये सारी प्रैक्टिस से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। अब फर्जी डॉक्यूमेंट से ऑस्ट्रेलिया में बैन ही लगेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अब मुझे ये बताएं अनीता जी, फरवरी इनटेक को देखा जाए तो अभी हम अक्टूबर में हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने पड़े हैं, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे तो 2-3 महीने तो एम्बेसी को भी चाहिए, जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे आपको वीज़ा मिलेगा। तो इसका मतलब है इमीडिएट अप्लाई करना चाहिए स्टूडेंट्स को। सर, इस टाइम पे अगर मैं इनटेक की अवेलेबिलिटी की बात करती हूँ तो नवंबर इनटेक के लिए भी एडमिशंस ओपन है एंड फरवरी के लिए भी, लेकिन समझदार वही होगा जो कि फरवरी इनटेक में अप्लाई करेगा। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब ये इंटरनेशनल कैपिंग इंट्रोड्यूस हुई थी उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये भी न्यूज़ सामने आ गई थी कि अब जो वीज़ा डिसीजन का जो टाइम है वो 70-80 डेज का लगेगा, यानी कि 2 से 3 महीने या 3-3.5 महीने आप मान के चलिए, ठीक है। तो जिस दिन से आप अपनी फाइल लॉन्च करेंगे तो आप 3 से 3.5 महीने की विंडो ज़रूर रखें हाई कमीशन के पास कि वो इतना टाइम ज़रूर आपकी फाइल पे लेंगे, बिकॉज दे नीड टू एवेल्यूएट ईच एंड एवरीथिंग, उन्होंने सारा सब कुछ देखना है।
सो अब इस चीज़ में क्या है कि हम इस टाइम पे उस पे ना जाए कि हमें ऑफर लेटर कितनी जल्दी मिल रहा है, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑफर लेटर विद इन 24 आवर्स भी दे रही हैं, विद इन वन वीक भी दे रही हैं। और अगर मैं जीएस को क्लियर करने की बात करूँ तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि हु आर क्लियरिंग द जीएस विद इन द 7 working days। तो इस टाइम पे अगर डिले है तो ना आपको हमारी तरफ से कुछ डिले मिलेगा, बिकॉज जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे विद इन 24 आवर्स वी विल सबमिट योर एप्लीकेशन एंड विद इन 48 आवर्स यू विल गेट द ऑफर लेटर। यानी कि आज आपने अप्लाई किया, अगले 3 से 4 दिन के बाद आपके पास ऑफर लेटर होगा। और अगर आपके पास फंडिंग सारी अवेलेबल है तो आपका जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज से 10 दिन के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 12 से 13 अक्टूबर के बीच में। अब हमें इस टाइम पे जब हम वीज़ा फाइल लॉन्च करते करते कहीं ना कहीं आराम से जो स्टूडेंट के वो 20th अक्टूबर तक लग जाएगा। लेकिन अगर आप 20th अक्टूबर की फाइल नवंबर इनटेक के लिए लगाओगे तो उसमें किसी का वो नहीं है कि आपका जो वीज़ा नवंबर तक ही आ जाएगा। तो इस टाइम पे समझदारी वही होगी कि आप हाई कमीशन को 3 से 3.5 महीने का टाइम दें, सो दैट हाई कमीशन के बीच में आपको अपना ऑफर लेटर जो है वो डेफर ना करवाना पड़े, अदरवाइज वो बहुत आगे और लेंथी प्रोसेस चल जाता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा कमेंट पे भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि अभी तक हमने वीज़ा फाइल लॉन्च करी थी जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं आया। तो उन्हीं स्टूडेंट्स का डिसीजन लेट होता है जिन्होंने बहुत जल्दी जल्दी में फाइल लॉन्च की होती है, तो एम्बेसी के बीच में उनकी जो फाइल है वो क्यू में चली जाती है। तो बेटर नॉट टू गो इन क्यू, आप बिल्कुल स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के साथ जाएं। अच्छा, मुझे अब ये भी आप बताएं कि अभी अगर फेब्रुअरी इनटेक के लिए स्टूडेंट हमारे अप्लाई करते हैं तो किस तरह के कोर्सेज उनको चूज करने चाहिए? ऑस्ट्रेलिया में भी कोर्सेज हैं जो अभी ट्रेंडिंग में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है कि इन कोर्सेज में स्टूडेंट्स आएं, या यूनिवर्सिटीज चाहती हैं ये अच्छे कोर्सेज, या वो कोर्सेज जो जल्दी भर सकते हैं? जी सर, तो सर सबसे पहले अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की जो हाई डिमांड कोर्स की बात करूँ या पॉपुलर कोर्स की बात करूँ, दैट इज़ अ नर्सिंग के लिए जो सीट्स हैं वो सबसे पहले ख़त्म हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में। दूसरे अगर मैं दूसरे कोर्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो आपके जो कोर्सेज रहते हैं रिलेटेड टू द फार्मेसी, मेडिकल, इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। उसके बाद जो कोर्सेज आते हैं इस टाइम पे जो टाइम है वो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है। सो किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे नंबर है, आप अप्रोच कर सकते हैं अनीता मैम से, आप जूम मीटिंग ले सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी हिस्से से बैठे हैं आप जूम मीटिंग ले सकते हैं, उसके बाद आप ऑनलाइन भी अपनी फाइल मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, इस नंबर पे आप सभी स्टूडेंट्स बात कर सकते हैं। थैंक यू।